नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ऑल द फंडामेंटल ताकि आपका कॉन्फिडेंस रेज हो सके इस पर्टिकुलर बैंक में, और आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे। और उसके बाद जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलने वाली है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो सब कुछ डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में होगा। अगर आप देखिएगा ये पूरी स्टडी करना चाहते हैं सिंप्लीफाइड मैनर में, तो टिकर टेप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करिए, वहां पे आप हेल्दी स्टडी कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने बहुत शानदार रैली देखी। 330 के लेवल से अगर आप देखेंगे तो 430-40 का लेवल आपको देखने को मिला विद इन वन मंथ। और देखिएगा, हमेशा मैं कहता हूं कि टाइम पे स्टॉक को पकड़ना है, अगर टाइम पे स्टॉक नहीं पकड़ा गया है तो वेट करिए, वेट करेंगे तो सही लेवल आएगा। तो सही लेवल आपको देखने को मिला था, देखिएगा 400 का लेवल आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस स्टॉक में जो पोटेंशियल है वो लॉन्ग टर्म के काफी अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको शानदार देखने को मिलेगा 57% का। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, वन ऑफ द लीडिंग बैंक है इंडिया का, और आपको पता है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का कितना बढ़िया निवेश है, साथ ही साथ आप देखेंगे DIH का कितना बढ़िया निवेश है और FIH का कितना बढ़िया निवेश है। तो अगर आप पूरा टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करेंगे तो आपको कोई भी डाउट यहां पर देख, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत ही कम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम स्टेक है। तो स्टेक होल्डिंग पैटर्न तो शानदार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो COVID-19 से अब तक स्टॉक ने आपका पैसा डबल किया है। डबल कैसे किया है, इसका वन ऑफ द रीजन है कि केवल स्टॉक का प्राइस नहीं भाग रहा है, स्टॉक की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आया है, लॉस मेकिंग बैंक से प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन चुके हैं, लगातार लीड कर रहे हैं मार्केट में, और इनफ्लो भी काफी ज्यादा बढ़िया बनता हुआ इनका देखने को मिल रहा है। मार्जिन भी इनके देखिएगा काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। जहां 2018 में कंपनी बैंक लॉस मेकिंग था, वहां पर अगर आप देखेंगे तो विद इन 3 इयर्स पे इन्होंने काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है, और जिसके बेसिस पे आपको स्टॉक के प्राइस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। COVID-19 में 150 रुपए का स्टॉक था और वहां से देखिएगा 450 रुपए के आसपास स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। आगे अगर आप बात करेंगे तो सबसे बढ़िया देखिएगा स्टडी आप यहां पे कर सकते हैं, फोरकास्ट रेटिंग क्या है 100%, यानी कि अगर आप चेकआउट करेंगे तो मैक्सिमम जो एक्सपर्ट हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ही आपसे रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि इसकी री रेटिंग होने वाली है और लॉन्ग टर्म में 4 क्वार्टर के बाद ये स्टॉक आपको 500 के प्लस देखने को मिल सकता है, यानी कि 500 प्लस आपको देखने को मिल सकता है केवल 4 क्वार्टर के बाद। आफ्टर 4 क्वार्टर आपको इसमें काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए देखिएगा मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट यहां पर बुलिश हैं, और लेकिन किसी भी चीज को लेने का तरीका होता है, किसी भी चीज को खरीदने का तरीका होता है, वो आना बहुत जरूरी होता है। देखिएगा आपको आपका सबसे अच्छा बैट्समैन भी तभी रन बनाएगा जब वो सही टेक्निक हर डिफरेंट फील्ड पर यूटिलाइज करेगा, यानी कि डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट फील्ड पे यूटिलाइज करेगा, तभी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो सेम चीज इन्वेस्टमेंट में भी होती है कि अगर डिफरेंट स्टॉक है, डिफरेंट सेक्टर है, तो आपका स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे तो पैसा देखिएगा कितना शानदार पैसा बना के दिया है, यानी कि मार्केट स्टॉक के बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट को वैल्यू भी दे रहा है। अभी आपने देखा था बहुत लोग पेन में आ गए थे, तो उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया और देन आफ्टर दैट आपको मूवमेंट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इनके क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया आए थे, और अभी अगर आप चेकआउट करेंगे PNB से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, IDBI से, तो ये सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका कंपैरिजन आपको इन बैंकों से नहीं करना है, इसका कंपैरिजन आपको करना है स्टेट बैंक ऑफ HDFC बैंक से,
आईसीआईसी बैंक से, एक्सिस बैंक से, और उसके कंपैरिजन में भी फेयर वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में सभी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारा इन्फो भी आ रहा है, क्योंकि देखिएगा सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है और अब MSME पर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती है, उसी तरीके से आपको देखिएगा यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर में। तो ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको जो रिटर्न्स हैं वो भी काफी बढ़िया बन के दिए हैं। अभी स्टॉक करंट प्राइस से लेस इंट्रिंसिक वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि ये जो स्टॉक है, अगर आपका स्टॉक जब भाग जाता है, यानी कि जब भाग जाता है स्टॉक, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वेट करना है सही लेवल आने का। यानी कि अगर आपको SIP शुरू करनी है तो आपका स्लॉट ये होना चाहिए कि कम से कम स्टॉक में ₹30 का गैप आए या फिर 20-25 रुपए का गैप आए, तब मैं एक एक करके SIP करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा, आप ऊपर के लेवल पे नहीं फंसोगे। आप कभी कभार क्या होता है कि 3% का फॉल अगर आपको देखने को मिला तो आपने क्या कर दिया, वहीं पर बल्क बाय कर दिया। अब वहां से थोड़ा सा स्लाइड अवे होगा, थोड़ा सा नीचे स्टॉक जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। तो कभी भी बल्क बाय नहीं करना, ये पहला इन्वेस्टिंग रूल है। सेकंड इन्वेस्टिंग रूल क्या है कि देखिएगा 30-30 का गैप बना के चलना है। हमेशा ये सोचना है कि स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, तो आपके पास कैश रहना चाहिए, क्योंकि आप फंडामेंटल के साथ श्योर हैं। तो जैसे ही रिबाउंड होगा तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा और रिटर्न बढ़िया देखने को मिलेंगे, पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लॉन्ग टर्म वेट करना चाहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म वेट करना चाहते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी स्टॉक को लेने का। कहीं पर भी 10-15 रुपए की गिरावट देखने को मिली, आपने बल्क बाय कर लिया, वहां से 15 रुपए स्टॉक गया, तो आप पैनिक में आ जाते हो। तो ये होता है लैक ऑफ लर्निंग। लर्निंग जब कम होती है देन आफ्टर दैट आपको ऐसा देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बजट में भी बात हुई थी लिक्विडिटी की, और जो अपडेट है वो भी उसी से रिगार्डिंग है। तो आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टॉक में 1,27,00,000 की क्वांटिटी उठाई गई है। यानी फ्राइडे सेशन में स्टॉक 400 का लेवल के आसपास आ गया था, वहां पर काफी क्वांटिटी उठाई गई है, जो कि बेस सपोर्ट है स्टॉक के लिए। और अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अपडेट आना है, आप देख सकते हैं फंड रेजिंग 21 जून 2021। और आपको पता है कि गवर्नमेंट का क्या मतलब एम है, मोटिव है कि किसी ना किसी तरीके से लिक्विडिटी बूस्टअप करते रहे PSU सेक्टर में, PSU बैंक में, ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, क्रेडिट क्रिएशन करा जाए, ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। और फंड आएंगे तो आपको पता है फिर से ये एडवांसेस प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे, गवर्नमेंट की जितने भी प्लान्स हैं उस पर ध्यान देंगे, और देन आफ्टर दैट आपको मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इट इज अ बिग पॉजिटिव न्यूज फॉर द स्टॉक, तो आपको इस पे खबर बना के रखनी है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो शानदार इंप्रूवमेंट लास्ट क्वार्टर में भी देखने को मिला है, और इस क्वार्टर में बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा कि किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, क्या कोई पेन देखने को मिलेगा। तो भी अगर आपको पेन देखने को मिलता भी है तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरीके से SIP करी जाती है, क्योंकि ये स्टॉक, ये बैंक आपको लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देंगे। तो लॉन्ग टर्म में जब बेनिफिट मिलना है आफ्टर 4 क्वार्टर, आफ्टर 5 क्वार्टर, तो आपको एक स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है कि ये बैंक मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना है, किस तरीके से रखना है, ये सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। तो ये एक बड़ा बिग अपडेट आने वाला है स्टॉक में। स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है वो 400 के आसपास बन रहा है, तो दो सपोर्ट पे अगर देखिएगा हैवी फॉल होता है तो दो सपोर्ट पे आपको फोकस रखना है, एक तो 400 का और दूसरा 385 का। ये काफी अच्छे क्रूशियल सपोर्ट है जिसे स्टॉक रेंज में देखने को मिल सकता है। ऊपर 425 आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वही जब ब्रेकआउट होगा तभी आपको आगे का मोमेंटम देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।